धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है। इससे कर्क रोग होता है। सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। इट कॉजेज कैंसर। कंपनी मामूल मंथली टैक्स जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद कौन सी कंपनी कौन सा टैक्स रहे? अरे क्या हिंदी फिल्म चल रहा है? बच्चा दे दो पैसे, ठोकते तो नहीं तो मेरे को मारता। ठोक रहे भाई, ठोक चल। मेरे को मारने का आता जिगर होना। थर बोलते मेरे को, किसको ठोकते? मेरे को मारता। ठोक रहे भाई, ठोक चल। थर बोलते हाँ, थर थर रहे भाई। अरे ठोक रहे भाई, थर भाई बोलते रहे मेरे को। ठोक रहे भाई, ठोक चल। प्रोसीड सर। शहर में तीसरा मर्डर केस है एक्सटॉर्शन का, क्या कर रही है पुलिस आपकी? सर तेलंगाना में पिछले कुछ महीनों से क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। किडनैपिंग, रेप, एक्सटॉर्शन एंड नाउ टेररिज्म। सर आखिर ये क्राइम रेट कब कम होगा? पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या सैलरी कम मिल रही है आप लोगों को? व्हाट नॉनसेंस, क्या रिकॉर्ड्स खोल के बताना किस किस को अरेस्ट करे। कंपैरेटिवली लास्ट महीने का क्राइम रेट से ये महीने का क्राइम रेट 40% कम हुआ है। वी आर डूइंग आवर बेस्ट एंड यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट सैलरीज। सर कंपैरेटिवली जब क्राइम परसेंटेज 60% था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है 80% है। बिजनेसमैन अथर का मर्डर किसने किया, क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? लेट मी स्लीप टाइट टुनाइट, इफ आई गेट अ ड्रीम आई विल लेट यू नो टुमारो। हाउ सिली, हमको क्या मालूम किसका हाथ है? अगर मालूम होता तो अभी तक अरेस्ट करके अंदर डाल देते। सर आजकल सुनने में आ रहा है कि कोई किंग पिन है जो केएन के नाम से अपनी कंपनी चला रहा है और उसी के लोग ये किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। Who are these people? Don't you think it's a big lobby? Maybe. We are looking at it from different angles. Once we get the right angle, our Singham will be in action. की बात
कॉप तो है टॉप इसकी टाइट, जो मारे एक फाइट तो विलन हो जाए लेफ्ट राइट, जो मारे एक फाइट तो विलन हो जाए लेफ्ट राइट। घबरा के क्राइम की, घबरा के क्राइम की पैंट हो जाती है गीली, जब गुल्लू भाई करता है चुलबुली, जब गुल्लू भाई करता है चुलबुली। सुनते ही नाम इसका सब मैदान से भागे, सुनते ही नाम इसका सब मैदान से भागे। गुल्लू की गन के आगे किसी की ना चली, जब गुल्लू भाई करता है चुलबुली, जब गुल्लू भाई करता है चुलबुली। मलिंगा मुरलीधरन ब्लैक बिजनेस में भी शट्टी का नाम फर्स्ट पोजीशन पर। हमारा 3 किलो का कोकीन और 1 किलो का गांजा एकदम असली। डिलीवरी लेकर हमारा वफादार आदमी उत्तप्पा हमारे को एग्जैक्टली 10 सेकंड में फोन करेगा। देखेगा 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 9 8 7 6 फाइव पे फोन आ गया जी। हेलो हेलो शटियाना, बोलो उत्तप्पा, माल मिल गया? पूरा डिलीवरी ले लिया। आप बोला ना हाईवे से नहीं आना बोल के, इसलिए कच्चा रोड से आ रहा हूँ। वेरी गुड जी, आ जाओ, आपके लिए वेटिंग जी। देखा कैसा आदमी, हमारा आदमी जी। सीखो उत्तप्पा से, सिंगल मैन इतना दिमाग लगा के कच्चे रोडों से हमारा माल सेफली लेकर आ रहा। वो रास्कल का बच्चा पास्कल हमको चीट नहीं कर सकता। पास्कल आ यन्ना रास्कल आ। अन्ना पोड़े 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 नाना पंतुलु गंपुलु वस्ताई सिम्मम सिंगल मेरा शेर है रे तू। बट माल किधर है? बैग इज मिसिंग। व्हाई शटिया ना, वो पास्कल का आदमी फिर से बैग लूट के भाग गया ना। कैसा भाग गया रे? अय्यो कैसा? दबा के पेशाब आ रहा था ना, गाड़ी रोक के बैग रख के पेशाब करके पलटे तक बैग लेके भाग गया। तेरे को दबा के पेशाब आए? सुनता पट्टे पूरी चेतना कौन को करोड़ों का माल बाइक पे लगा के पेशाब को बैठते रहे नहीं अप्पा अन्ना अय्यो अन्ना अय्यो अन्ना तू वेस्ट अन्ना इडियट। शाबाश शाबाश मेरे बॉयज, आज तुम लोग ये साबित कर दिए कि पास्कल को कोई भी रास्केल नहीं बना सकता। वो टकला शेट्टी अपना ही माल का खबर पुलिस को देके खुद बिजनेस करता था, आज अपन उसका माल लूट के उसको भी रास्केल बना दिया। थैंक यू सर, शेट्टी गैंग का बहुत जल्दी। रिलैक्स, दिस इज नॉट द एंड, मेरे को बहुत ऊपर जाना है केन से भी। फिलहाल एक काम करो, बाबजी को फोन करो, शाम में पार्टी का इंतजाम करो। पुलिस वाले रे तुम लोग? नहीं नहीं साहब, पुलिस वाले नहीं, हम लोग ये नाच गा के कमा लेते, पुलिस वाले नहीं।
एक्चुअली सर मुझे ना बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं अपना सेब निकाल के खा ली, आपका भी दे दो ना। hey! साले तुम लोग किसके लिए काम करते रहे? बाप जी, इंस्पेक्टर गुल्लू मारता तेज गिनता हल्लू। यू आर अंडर अरेस्ट, गिनता या किनो। शबाश। साहब, 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 मेरे को शूट मत करो साहब, मैं पुलिस की गोली से नहीं मरना चाह रहा साहब, ये लो साहब मेरा गन भी ले लो साहब। तेरे नाम की गोली तो मैं यहाँ पे लिखा के लाया था ना रे। अरे क्या रे, इसके नाम की गोली पे बंदूक खुश हो गई हा? क्या साहब पास्कल भागे, आप क्या करते हैं? इतनी मेहनत करा साहब, दो घंटे से नाचा मैं और इसके पसीने में डूबा सेब खाया मैं। तू अपने मेहनत का फल तो खा लिया, रिलैक्स चांद यादगिरी, पेपर में आने का काम तो अपन लोगों का कर दिए, ये माल पकड़ के। यस, कल पांडा साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाओ। तू कभी अखबार में आया रे? नहीं आया। कल आ जाएगा। डाल दो साहब, खुली रखा। चल अंदर। अरे नहीं साहब, अरे मिशन एकम्प्लिश्ड, कॉल द प्रेस। प्रेस? प्रेस? वेल डन ऑफिसर खान, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थोड़े ही दिन पहले आपके प्रेस वाले हमारे से पूछ रहे थे आपके पुलिस वाले क्या कर रहे क्या कर रहे। यू सी दिस, ये कर रही हमारी पुलिस, ये कर रही, इज दिस एनफ? ऑफिसर खान कहते हैं, ऑफिसर चांदपाशा, ऑफिसर यादगिरी, इलोहा कहाँ जाना? भाई सर ये तो मुत्तम जिंदगी कॉन्स्टेबल ही चराई थे। खान के जैसा डेरिंग ऑफिसर अपने जान को दांव पे लगा के, बाबजी जैसा मुजरिम को अंदर डाल के, जो इस वक्त लॉकअप के अंधेरे में कैद है, डू यू नो दैट? सर ऐसा लग रहा है कि आपका मुजरिम लॉकअप के अंदर नहीं, लॉकअप से फरार हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोला करिए। मुजरिम को मैं खुद अंदर डाल के लॉक करके चाबी लेके आऊं, ये देखो। ओ नॉट अगेन मिस्टर खान। अरे बाबजी रुक्चा, अरे तैर रहे बाबजी जी। अम्मा मामूल, ए तू वहां क्या कर रहे रे? क्या रहा वहाँ मुजरिम, लॉकअप से भाग के तू कहाँ लेते बैठे? ये देख रहे भाई, ऐसे मुजरिम आते और जाते, अपन कमा रहे किसके वास्ते? पेट के वास्ते। तो फिर अपन की को भागना, वहाँ है ना गुल्डर साहब, देख लेते, उनकी तनख्वाह वैसे भी डबल है। अरे ठहर, किधर भागा था? फिर सर कहीं को शूट करे उसको, उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती थी ना। आप मेरे एरिया में खड़े हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आज की बड़ी खबर, इंस्पेक्टर गुलरेज खान ने ड्रग डीलर्स के अड्डे पे किया हमला, 5 किलो गांजा और कोकेन हुई। अरे अभी तो तेरा इंटरव्यू टीवी पे आ रहा था। शाबाश बेटा, क्या काम करा रहे तू? आज तेरे बॉस जिंदा रहते तो कितना खुश होते थे। अरे
जिंदा रहे जब तो ताने दे दे के तुम ऊपर पहुंचा दिए। क्या बात कर रहा तू, उनकी वजह से तो तेरे को ये नौकरी मिली। अच्छा सुन, मैं तेरे को क्या बोल रही थी, ऐसे मौके पे अच्छे रिश्ते आते, अब तो तू टीवी पे भी आ गया। बोल बोल, रिश्ते की बात करूं क्या? बोलना बोलना। अम्मी, तुम्हारे से डबल जल्दी मेरे को है शादी की, मगर मैं ऐसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे को बर्दाश्त कर सके। आई, यो कौन सा बर्दाश्त है रे बाबा? जिस तरह गरम गरम चाय में उस्मानिया बिस्किट अपने आप को बर्दाश्त करता। क्या हुआ रे, कोई पड़ी नहीं पड़ी? कटिंग समझ में नहीं आ रही, वही वही। कौन तो भी मामा है ने? न्यू एडमिशन फीस बनी ने बनी पूछ के आता हूँ टेस्ट। एक्सक्यूज मी बेबी। व्हाट? आई लव यू जान। ब्लडी तो उन्हें पहले क्या करा बोले? पहले उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, फिर मेरा हाथ पकड़ा, किस किया, फिर उसके बाद आई लव यू बोला। अच्छा, तो उन्हें पहले आपका हाथ पकड़ा? नहीं, पहले उन्हें खांदे पे हाथ रखा, बोले नहीं नो। तेरे से पूछा भाई? हाँ। अच्छा, तो उन्हें आपका हाथ पकड़ा और फिर आई लव यू बोला। ओ शिट यार, रॉन्ग। पहले उन्हें खांदे पे हाथ रखा, फिर हाथ पे किस करा, फिर उसके बाद आई लव यू बोला, बोले नहीं नो। मैं क्या कर रहा साहब? शट अप। अगर अगली बार बीच में बोला ना तो कमिश्नर को बोल के तेरा नक्सलाइट एरिया में तबादला करा दे। तो जाना, तेरे को खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, और धोना तो भूल जा, पत्तों से काम चलाना पड़ेगा, इडियट। तो अब आप मेरे को शुरू से बताइए, उन्हें आपका पहले क्या पकड़ा? मेरा मतलब आपका पहले क्या करा उन्हें? वो नशे की हालत में धुत था, उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, फिर किस किया। इज दैट क्लियर? वहाँ और भी लड़कियां थे ना? जी हाँ थे। तो सबको छोड़ के उन्हें आपके साथ कहीं को ऐसा करा होगा, क्या वजह होंगी? कभी इस बात पे गौर करें आप। क्या गौर करूं? मे बी शायद आई एम ब्यूटीफुल। क्या नाम है आपका? गायत्री। मिस गायत्री, आप ब्यूटीफुल नहीं है, आप अट्रैक्टिव है। ब्यूटीफुल बोले तो खूबसूरत को बोलते, और अट्रैक्टिव बोले तो वो जिसको देख के नजर इधर उधर जाए, दिल ललचाए कि मैं कुछ करूं, और उन्हें आपके साथ कर दिया। हाँ। क्या मतलब कर दिया? सर, मैं आपके पास हेल्प लेने आई हूँ। हेल्प तो हम यहाँ करने कुछ बैठे हुए मैडम, मगर आप भी थोड़ी हेल्प अपने टेलर से ले लेना था, जहाँ आप कपड़े सिलाते, या फिर उस सेल्समैन से जहाँ से आप कपड़े खरीदते। अरे, एक जमाना था लड़कियाँ चूड़ीदार खमीज सलवार पहन के ऐसा ओढ़िया लहराते निकले तो उनको छेड़ना दिल नहीं बोलता था, बल्कि दिल के रिकॉर्ड प्लेयर में पुराने गाने बजते थे। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जिम। चलो रे। कहाँ? तुम्हारा इंतकाम लेने, आई मीन रिवेंज। तुम लोग यही ठहरो, मैं जरा देख क्या तो ये बच्चे क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपन लोग ये लोगों को पढ़ाएंगे। ए फॉर आपा, बी फॉर बहन, सी फॉर चप्पल, डी फॉर ड्रेस। कहा रहे तुम दोनों के? ट्रैकिंग में। कौन दिए? ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फाइट, जी फॉर गुल्लू। कौन है वो लौंडे? वही है। ठीक है, तुम जाके गाड़ी में बैठो। परसों वाली मस्ती बाप आता। क्या मामिया, सुबह से पटी नहीं पटी कोई? कारोबार ठंडा है यार, सुबह से पटी तो बोलो बोलो। सब जाओ, जाओ। शी टीम्स वाले बिजी है दूसरे कॉलेज में, इसके वास्ते मैं यहाँ पे आया। क्या कर रहे हो पोटी के साथ? हाँ? साहब खाली बात करो। अब मैं तुम लोगों के साथ करूंगा। चांद यादगिरी डालो इन लोगों को। क्या रे, कॉलेज को पढ़ने आ रहे, आशिकियां करने आ रहे? मैंने करा। पोटी को फेरी रख दिया करते ना हमारे पहले। अरे बेटे चंदू, आशिकी करने का भी तरीका होता। चलो हम तुम्हारे बताते आशिकी कैसा करना है। चलो साला। एक और क्राइम की बुआरी पीछे से, चलो देखेंगे। Thank you.
वाली इसकी खुशबू सूंघ के दावे के साथ बोल रहा हूँ, ये डुप्लीकेट है। अरे असली है जी मालू। माई कौन सा नकली पुलिस वाला है भाई भी असली। चांद पाशा सर, ये सबके मोबाइल खींच लेके ऑफ कर दो। अरे वो तो पहले छीन लेके स्विच ऑफ कर दिया, आपके टेबल पे डिस्प्ले कर दिया। कभी कभी एडवांस काम अच्छे कर लेता। अस्सलाम वालेकुम। आप ज्यादा खुश नको हो। मेरे को मालूम है आपको खुशी राज नहीं है। सर नको सर, प्लीज सर, सॉरी सर। शर्म आ रही है नको सर, आंखों का जीना करते वक्त शर्म नहीं आई तेरे को? हाथ निकाल, हाथ निकाल। अरे सर मायो जी मेरे को मारते क्या? क्या एज है तेरी? 16 सर। 16 टीनेज, मगर कामा तो 16 के कर रहा तू। हाँ पीछे पीछे हट हट हट। बाबा आपका ये डिश कितने चैनल कवर करता? सर ये आजकल मार्केट में नया चल रहा, इसको क्रोकोडाइल कटिंग बोलते हैं। शट अप यू बफेलो। सर इसको क्रोकोडाइल कटिंग नहीं, इसको मोगो कटिंग बोलते हैं। हगू कटिंग नहीं बोलते? हाँ याद रखो, कल से कॉलेज में ईव टीजिंग, रैगिंग और ड्रग्स का इस्तेमाल करे तो ऐसी सजा दूंगा 8 जन्म तक नहीं भूलेंगे। हाँ सर आप भूल रहे, जन्म 8 नहीं 7 होते। वो दूसरों के वास्ते होते हैं, तू तो इसी जन्म में 7 के पैदा हो गया। हाँ बंद करके आओ लोगों को। सर सर प्लीज सर 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 क्या कर रहे हैं? चलो अंदर, ये चल, ये तू भी चल, ये चल चल। फोन ऑन करो सबके। अरे मामा मेरे मोबाइल में मामले है मामा, घटा तो मर गया। मेरे मोबाइल में भी है रे भाई। अब 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 खाली फोन खोलने की देरी है, ठन ठन बज रही। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी इतने फोन नहीं आते होंगे रे। ये किसका फोन है? सैमसंग गैलेक्सी S3। न्यू मैसेज फ्रॉम शिकार 3। अबा क्या नाम फिट करा रे। बेबी वेर आर यू, आई एम मिसिंग यू, आई लव यू सो मच, वाई यूर फोन इज स्विच्ड ऑफ। ये किसका फोन? अरे हगू कटिंग। हाँ सर। ये तेरा फोन है, तेरी फोटो है इसके ऊपर। फेसबुक का मैसेज। अरे तेरी हगू कटिंग को 51 लाइक्स और 21 कमेंट्स आए रे, पढ़ के सुनाओ। प्लीज सर सर सॉरी सर, अब से नहीं करता सर, प्लीज सर सॉरी सर। सर सॉरी सर प्लीज सर, मैं कोई कॉलेज का सर नहीं हूँ जो तू कान पकड़ के उठ बैठ करा तो माफ कर देने के वास्ते, समझा? ओ वन न्यू मैसेज फ्रॉम कारोबार। ओफो माल रेडी है, चबूतरे पे आके लेके जाओ। कौन सा चबूतरा है रे? ये तेरा है फोन, बोल। मैं मालूम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन से चबूतरे पे? पहले एड्रेस बोल। कमान के पास, कमान के पास। कमान के लिए कई के वास्ते बुला रहा है ने? क्या देने बुला रहा, बोल। गांजा साहब, गांजा, गांजा साहब। वोइन सर। ये सर वोइन, ये कौन सी कमान है जहाँ कोई 30 बार खान बच्चों को गांजे बेच रखे थे? सर वो एरिया थोड़ा ट्रबलसम है सर, वहाँ पे हमको रेड करना है तो मफ्ती में जाना पड़ेगा सर। मफ्ती में क्या जी, मुजरिमों को पकड़ने के वास्ते अपन चड्डी बनियनों में भी चले जाएंगे। चलो गाड़ी निकालो सर। तुम लोग यही रुको, मैं अंदर का नक्शा देख के आता हूँ, अगर जरूरत पड़ी बैकअप की तो कॉल कर दो, ठीक है? ओके सर। अरसलान कहाँ पर गया? रोज से माचिस मंगाया, मैं सिगरेट जलाऊ नको जलाऊ। अब क्या है मामा इन्हें?
फॉर्मेट करना बाप मेरे को शरीर से निकल गया क्या पैसे होते पहले वो वेबसाइट बंद है अब क्या रे इतने में खुश हो यार तुम लोग पर तो अन्ना की पार्टी में फुल हुआ रात भर झिंगा लाला माची से उस्ताद तुम्हारे पास कहीं को निकले फिर थोड़ा रिवर्स तो ले क्या ये जाली वाला घर कहाँ था कई गो होना गया यहाँ डेड एंड से राइट ले लो आगे एक बुड्ढी सिरगेटा मिस्त्री थी उसके बाजू का ही घर है अरे यहाँ घुसते यार जाओ शुक्रिया होने रे भाई क्या होना बेटा खाला संतरे के खुरेशा है क्या तुम्हारे पास अब कहाँ मिल रहे हैं बेटा ये ले लो रहन दो मैं ले लेता हूँ कितने पैसे 2 रुपए के 4 एक सिगरेट भी दियो कौन सा भी दियो धुआं निकला तो बस है ये लो हाँ बोल एक पूड़ी दियो क्या उस्ताद पहले का सर का माल नहीं आ रहा पहले के जैसा कस्टमर भी नहीं आ रहा ना बराबर हो गए चल पैसे निकाल उस्ताद माचिस है क्या तू दीवार कूद गया तो फिर क्या था रे अरे 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 रघुमार साहब यू आर अंडर अरेस्ट फॉर सेलिंग गांजा ए बोला तेरा वाह इसके वास्ते में शादी नहीं कर रहा हूँ डर रहा हूँ कहीं तुम लोगों की जैसी औलाद ना पैदा हो जाए हा? कल से मगरिब के बाद चबूतरों पे टाइम पास करेंगे मन तका मारते बैठेंगे और ये छिचोरे हरकतें करेंगे तो समझ लो बेटा हाँ अब ये फोन आके जो है पीएसए लेके जाना ए, तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ सब बी केयरफुल डालो इसको चल डालो चल चल इंस्पेक्टर गुल्लू मारता तेज गिनता हल्लू नको सब लोग सो रहे होंगे आओ खान आओ यू आर ऑन टाइम थैंक यू सर हैदराबाद में हर कोई तुम्हारे जैसा टाइम का पाबंदी करे तो हर काम टाइम पे होता यू नो आज भी मैं 4 बजे उठता हूँ सर मैं भी आजकल शाम में 4 बजे उठ रहा हूँ ए क्या बात कर रहे मियां शर्म है मैं सुबह की 4 बजे के बारे में बात कर रहा हूँ एक्चुअली सर इन लोगों का जो है नाइट ड्यूटी चल रहा है इसलिए बोल रहा है ओ आई सी Enjoy the party. I'll be back in a while. Okay, sure, sir. Sir, हम लोग अब भी आते हैं. कहाँ जा रहे हैं? चाय पी लेके आते जरा. अब भी आते हैं. गुलरेज साहब, क्या बात है आपका हाथ खाली है? Waiter, मैं ड्रिंक नहीं करता. Thank you. क्या लेंगे साहब? क्या नहीं लेते वो बोलो. एक फुल बोतल दे दो. हम लोग कोने में एडजस्ट हो जाते. हाँ. बहुत फास्ट जरा तू. सर. पहले पेट कम करो ये मला वेटर ये चिकन है कल्ला पार्टी डंडे जा रहा और क्या मनोज कहाँ है पोस्टिंग तुम्हारी वहीं बंजारे स्पेस में हूँ सर वाह वहाँ तो सुकून में जॉब चल रहा होगा तुम्हारा अरे मोई सर अपन लोग सुकून में रहे तो फिर ड्यूटी का मजा कहाँ से आता है करेक्ट खान विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस ओके सर और मोइन भाई क्या चल रहा खान आई जस्ट गॉट अ फोन कॉल अपने एरिया में एक बच्चा 18 साल का डाइड ऑफ ओवरडोज ऑफ ड्रग्स I don't know how these students get into this trap. Drugs and weed. Anyways, wherever you have any doubt, just go and raid them. Sure, sir. Do it. Okay, sir. DCP ka phone hai. Sir. Haan, sir. Am I disturbing? Not at all. Khan sahab, zyada kaam karke fayda nahi hai. Work smart, not hard. Firasat, agar main kaam fayde ke liye karta na,
तो आज पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करता था। खुदाफिस। बोर नहीं समझ में आ रहा है मेरा। साबा के प्लीज सीट ऑटो सर। ऑटो नहीं गाड़ी है सर। जीप जीप कॉलेज कॉलेज। तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, फ्री मिलते एक्स्ट्रा उतार लेते दोनों। नो सर। यस सर। सॉरी सर। आप गाड़ी कौन चलाते? ड्रिंक एंड ड्राइव का जुर्माना कितना है मालूम तुम दोनों को? अपने को कौन पकड़ता है साहब? पुलिस। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा तखब्बल मिन्ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीन की राह में लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है बच्चे। यह मौका हर किसी को अता नहीं होता। कुछ चुनिंदा खुश नसीब होते हैं जिन्हें यह फजीलत मिलती है, जैसे मैं, तुम। सर हम लोग को छोड़ दो सर, हम घर को जाना चाह रहे सर। घर घर, यह फरेबी दुनिया कब तक तुम्हारा साथ देगी? मौत तो एक दिन आनी है। अगर उसके काम में शहीद होगे तो उसके घर जाओगे, जन्नत में, जो हकीकत में हमारा असली घर है। आगे तुम्हारी मर्जी। सर प्लीज सर, हम ये काम नहीं कर सकते सर। ठीक है बेटा, दीन में जबर नहीं है। अपने घर जाओ, तुम्हारे अपनों के पास। सात लड़के हमारे साथ हैं, तीन अपने घर जाना चाहते हैं, भेज दो। भाई घर जाना है, मम्मी डैडी के पास, गर्लफ्रेंड के पास। भाई गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? नहीं है भाई। भाग भाग। आज जो आ भाईजान, बराबर इंटरव्यू नहीं लिया क्या उनका? इतना समझाना बहुत मुश्किल है रे बाबा। इंटरव्यू में तो सब लोग तैयार थे भाई, कोई डर नहीं किया, ऐसी वैसी बात नहीं करा। सात के पासपोर्ट तैयार है, उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दे। जी भाई। और बाकी तीन को घर पहुंचा दिया ना? अल्लाह खुश रखे। सब तैयार? जी भाई। किसी को अम्मा बाबा गर्लफ्रेंड भाई बहन किसी की याद आ रही, घर वापस जाना है? है भाई। अपने तीन बच्चे कमजोर निकले, उनको घर भेज दिया। तुम लोगों में से किसी को शक या कोई सवाल जवाब है तो अब बीच पूछ लो। नहीं भाई।
ठीक है, शाम को निकलना है समंदर पार, चलने की तैयारी करो। सरकार, मैं बाप, अयो मैं लूट गए, मैं बर्बाद हो गए, मैं क्या बोल रहा, मैं रोड पे आ गए जी। मैं सुना था काला धंधा गोरे लोग बहुत अच्छा करते बोल के, फिर तू कैसा रोड पे आ गया? हाँ खैर, तू आप नको साहब को पानी पिलाओ जल्दी। पानी वानी छोड़ो साहब, मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज पास्कल के बारे में देने आया साहब। वो साला मेरा माल लूट लिया और वो माल आप लूट लिया साहब। मैं फकीर हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं रोड पे आ गया जी। खैर तुम टेंशन नको लियो, रोड पे आ गए बोल के फिक्र नको करो। सरकार इसके वास्ते तो रोड पे पुलिस स्टेशन बनाती, ताकि जो लोग रोड पे आ जाए उनको हमारा पता आसानी से मिल जाए। तुम एक काम करो, क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है बोलो मेरे को, बोलो इन्फॉर्मेशन क्या है। पास्कल को बहुत बड़ा सपोर्ट है अंडरवर्ल्ड का, उसका बलपुदे पर उन्हें शहर के छोटे मोटे ड्रग डीलरों को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखा साहब। अगर पास्कल को अरेस्ट करे ना साहब, समंदर का बड़ा बड़ा मछली आपके हाथ में रहता साहब। कहाँ मिलेगा ये पास्कल? आइयो आज शाम को साहब। इंस्पेक्टर गुल्लू मारता तेज गिनता हल्लू, सही सही बता कहाँ मिलेगा उन्हें? टिंकी बार में साहब, बहुत बड़ा डील है, अगर वो मिला दो साहब, उसको मार दो साहब, टोक दो साहब, मेरे तरफ से दो गोली टोक दो साहब। चांद यादगिरी, कहाँ जा रहे थे अपन? अरे साहब भूल गए क्या, अपन वलीमे की दावत में जा रहे थे। आप वलीमा नहीं छोड़ते ना, वैसे भी अगर अपन जल्दी चले गए ना तो पहला दोस्त मिल जाता। वो कैंसिल कर दो, फर्स्ट ड्यूटी। मोइन खान सर, हमारे शेट्टी साहब को जरा पिंजरे में डालो। आयो काई को, मैं तो पुलिस का हेल्प करे ना। तुम ही बोले ना, खाने को पैसे नहीं है, मैं रोड पे आ गया। बाहर जाके क्या करते, कुछ दिन सरकार की खातिरदारी में रहो। जाओ चलो, आयो, आयो, चलो, अरे चलो अंदर चलो। आयो, 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 आयो। टिंकी बार चमक चम चमके रंगोरी बदन टमक दम दम के रंगोरी बदन कैसी है मेरी बाहें जिया है बेकरार चलता ना मुझे ऐसे आजा ना मेरे यार चमक चम चमके। बस के बाद 100 के नोटों का काफी डिमांड हो गया, एक समझ के उड़ाना पड़ता। अब मतलब की बात करो, आ इधर। ए कौन है रे तुम लोग, अंदर कैसा है? क्या रे, इसको बात करने की भी तमीज नहीं है? साहब के पास बात करने का टाइम नहीं रहता, खाली ठोक देते। अब क्या तुम भी खर्चे में आते? चलो वो सिंगम का क्या की डायलॉग है ना रे, आता माजी टपक ले। नहीं रे, आता माजी सटक ले। यस, अब इसका हैदराबादी वर्जन सुन। खान साहब की खोपड़ी हटक ली तो समझ जा तेरे जैसे लोगों की जी की हड्डी सरक ली। चल साबत, सुबह से गरम दिख रहे हैं। हम ही बड़ो, हम ही बड़ोगा। पास्कल को रास्कल कोई नहीं बना सकता। आप कौन बनाया रे तेरे को? आप कौन बनाया बोल? साले शेट्टी, तू ही दिया ना मेरा इनफॉरमेशन, तू ही कराया ना मेरे को अंदर। ओ आया, माई कहीं को कराते जी तुम्हारा इनफॉरमेशन, माई कहीं को कराते, माई करे तो अंदर रहते थे हम। हम नहीं दिए जी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन, आइयो हम नहीं दिए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरा पेशेंट? अरे अरे अरे, इतना बुरा मारते हैं। अब इसका इलाज यानी हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, इसका इलाज हॉस्पिटल ले जाके करना पड़ता। ये दोनों को देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों पागल हैं। मैं चाहूं तो ये लोग को कोई भी मेंटल हॉस्पिटल भेज के इलाज करा सकता हूं, मगर नहीं, मैं खुद ये दोनों का इलाज करता हूं, यहाँ पे मेरे ये दोनों हाथों से और ये डंडे से, समझे? खाली एक पट्टी बनके चल जाता हूं। बाबा बाबा बाबा, कैसा हुआ? मार यहाँ लगा रे, पट्टी सिर पे कहीं को बना। अरे पास्कल भाई, फिलोखत जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, कहीं को बोले तो अपना धंधा पूरा चौपट हो गया, ऐसी रात अपना पूरा कारोबार तबाह हो जाता। मेरे को पक्का मालूम रे, ये टकला साला इस मेरा इंफॉर्मेशन दिया। हल्लू हल्लू, मेरे को तो बाहर निकलने दे, पहले तो इसको मारूंगा। आयो कितने बार बोलना जी, हम नहीं बोले बोल के
भगवान कसम हम नहीं बोले। सर ये डॉक्टर का ट्रीटमेंट कुछ लंबा नहीं चल रहा? क्या हुआ रे डॉक्टर, इलाज हो गया? आ रहा आ रहा हूं साहब। पास्कल भाई आराम से आ, मैं जाके आ रहा हूं। अरे भाई ज्यादा देर हो गई बोल के मैं खुद तुम्हारा इलाज करने आ रहा था। होगा होगा साहब। जल्दी जल्दी बता तेरे आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन है, नहीं तो तेरे ये हंसते जख्म को गहरा जख्म बना दे दो। नहीं साहब, मैं किसको भी नहीं पहचानता साहब, दो तीन लोगों को माल सप्लाई करता हूँ, चिंदी चोर बिजनेस है साहब मेरा। तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है रे, बगैर थर्ड डिग्री के कुछ बोलते ही नहीं तुम लोग। शाबाश हमारे चांद पाशा। सर पास्कल साहब मुंह खोलते कहते जरा पेन और पेपर लेके आओ। अरे साहब पेन पेपर कह को व्हाट्सएप कर दो। बोलो जी। बोल बोल। चाकर सोड़ा चिन्ना शिवा उसका भाई नरसिम्हलो और बाबजी, बाबजी का तो इनकाउंटर हो गया साहब। क्या बोला तू? शाकिर सोटा चिन्ना शिवा पेद्दा नरसिम्हलो? नहीं साहब पेद्दा नहीं, चिन्ना चिन्ना शिवा बड़ा भाई है, नरसिम्हलो छोटा भाई है। अब ये पूरे चिन्नी पतंगों को दाल के शादी में से ऐसा खींचूंगा कि उन लोग परेशान हो जाएंगे। ये कौन पोन का अड्डा आके अपने को अधर हाथ में से खींच दिया। मैं नहीं बोले। सीधा अंदर जाओ, अगर 5 मिनट में ये बाजा नहीं रुका तो पूरे अंदर जाएंगे। बोलो ओके सर। ए बंद सही रहा, ए बंद कर रे, ए बंद कर रे बाजा, बंद कर रहा। क्या है रे? कुल रे साहब बोल रहे बाजा अभी का अभी बनो ना, नहीं तो पूरों को लेके फोड़ते बोल रहे। ऐसा इंस्पेक्टर मालूम नहीं हम लोग कौन है? मालूम तू कौन है? अफीम गांजा नकली शराब ऐसे थर्ड क्लास कारोबार करने वाले हैं तुम लोग। ए उंडू, ए इंस्पेक्टर क्या नाम है तुम्हारा? तू कौन? मैं ज्ञानेश्वर ये एरिया कारपोरेटर, बारिया के बात करेंगे। क्या है इंस्पेक्टर ये ऐसा? शरीफ लोगों के शादी में तुम गाड़ी लेके कुछ जाते, इतना गुस्सा है तुम्हारे को? शरीफ लोग एक नंबर के बदमाश है लोग, अफीम गांजे का धंधा करते है लोग। बेकार के बाद मत कर, तेरी गर्मी मैं अब भी निकालता हूँ। खैर हेलो नमस्ते सर। हेलो पांडा गारू। क्या है जी तुम्हारा इंस्पेक्टर ये गुलरेज ऐसा शरीफ लोगों के शादी में गाड़ी लेके घुस जाता? ये तो शाकर भैया शिवा भैया गुड़ुम्बा अंटा गांजा बिजनेस अंटा इन भाई। सर ओक सर आने फोन ही बात करो, जरा बात करो। यस सर। खान व्हाट नॉनसेंस इज दिस, किसी के फंक्शन में गाड़ी घुसा देते यारो। सर ये शाकिर सोडा चिन्ना शिवा नरसिम्हलो ये तीनों के खिलाफ सबूत है मेरे पास। हाउ इज दैट पॉसिबल मैन? अरे मैं अभी पास्कल को अरेस्ट करा सर, उन्हें 3 जूते खाते सब के नामा बोल दिया। वंडरफुल मैन, मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। Go ahead. एक बार वो कॉर्पोरेटर को फोन दो। हेलो सर। सर आई एम वेरी सॉरी, इस बार आपका हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आप जरा इस मैटर से दूर रहिए, नहीं तो मजबूरी में आके आपको भी अरेस्ट करना पड़ता। अरे इधर टॉयलेट किधर है रे? रे ये फंक्शन हॉल का ओनर कौन है? हाँ मैं हूँ साहब। कल से 10 बजे के बाद डीजे आर्केस्ट्रा मरफा कुछ भी बजेगा तो पहले के जैसा पेटी केस वेटी केस कुछ भी नहीं, सीधा एक दिन की जेल की हवा खाना पड़ेगा, याद रखो। ठीक है सर। जाओ ए लेके चलो रे लोगों को। एक मिनट ए यादी, कौन मारा तेरे को? इन्हें मारा साहब मेरे को। इधर आओ, कानून पे हाथ उठाता रे। क्या खबर है? पास्कल अरेस्ट हुआ। बैड न्यूज, सोडा चिन्ना शिवा और 2-4 लोकल ओडिया में धंधे की वाट लग रही है। और क्या, हैदराबाद का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है पास्कल सोडा और चिन्ना शिवा की। विरासत क्या कर रहा है? पैसा खा रहा और क्या। रहने दो पास्कल को कुछ दिन अंदर, काम पड़ेगा तो निकाल लेंगे। विरासत को फोन लगा। हेलो
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपको कितनी बार बताया कि मेरे मोबाइल पर कॉल मत करना। मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करता हूँ दूसरे नंबर से, ओके? नमक हराम साला। विरासत बात कर। हेलो जी भाईजान। आज जो जी अजू भाई, कोई नया आया क्या? नहीं, एक साल हो गया। दूसरा पीएस है क्राइम ब्रांच। ठंडा कर उसको, क्या नाम क्या है? गुलरेस। गुलरेस, पास्कल पे नजर रख, उल्टी करने मत दे उसको। समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा भाईजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये नया कौन है? कोई गुलरेस। कहीं ये तेरा गुलरेस तो नहीं है? हाँ, पर जो भी है, साहब का फोन आया था और 10 लड़के चाहिए। अरेंज करता हूं भाईजान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम सलाम। मैं काफी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा हूं पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कहीं को मेरे को बार बार फोन आ करके परेशान कर रहे हैं भाई, क्या होना आपको? देखो रऊफ भाई, मैं आपका मुसलमान भाई हूँ, आपके और दीन के फायदे के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आपका यहाँ और जन्नत में दोनों जगह अच्छा घर हो, दौलत मिले? मैं कुछ समझा नहीं। कल 4 बजे अल कुबैर मदरसे के पीछे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ सर। मैं कमिन सर। कमिन। तपकुंडा सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। टेक योर सीट खान। थैंक यू सर। गुड जॉब मिस्टर खान। योर रीसेंट अरेस्ट ऑफ पास्कल एंड अदर ड्रग पेडलर्स हैज ब्रॉट डाउन द रेशियो ऑफ ड्रग ट्रैफिक। जी सर। बाय द वे, हियर इज एन इनविटेशन फॉर यू। बोस्टन स्कूल प्रिंसिपल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके सर। एज दे आर हैविंग ए टीचर्स डे सेलिब्रेशन, यू आर इनवाइटेड एज ए चीफ गेस्ट देयर। थैंक यू सर। कुछ अच्छा स्पीच विच दे दो। श्योर सर। हैव ए गुड डे। ओके सर। जय हिंद। सलाम वालेकुम रऊफ भाई। वालेकुम सलाम। हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, चलिए। भाईजान यही है क्या? डरना नहीं बच्चे, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मौत तो बरहक है। क्या नाम है? रऊफ भाई। रऊफ भाई, जीत हमारी है, डरना नहीं, अपने मकसद में कामयाब होना। ये काम होते ही तुमको हम इंडिया से बाहर भेज देंगे। तुमको फोटोग्राफर बन के जाना है और एक बैग वहां रखना है। भाई सिर्फ बैग वहां रखना है ना? सुबह 11 बजे बोस्टन स्कूल, याद रखना, डरना नहीं। बच्चों, बड़े होके क्या बनते हैं? पुलिस कमिश्नर। शाबाश, मगर उसके वास्ते पढ़ना पड़ता बहुत। अंकल मैं क्लास में फंसता तो मीनू लास्ट आते। वेरी गुड। अंकल ये दोनों कौन है? ये दोनों पुलिस कांस्टेबल है। अंकल क्लास में लास्ट आता तो कांस्टेबल बनते क्या? उसके वास्ते भी फर्स्ट आना पड़ता। हाँ। अरे यादी पोटे, बहुत फास्ट हो गए। फास्ट नहीं रे, अल्ट्रा फास्ट। सब अपने इस्तकबाल को कोई भी नहीं दिख रहे। काम हो गए सर का दिख रहा। आऊ ना, लव एट फर्स्ट साइट। गुड
कॉमरेड सर। जी हाँ, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैं भी आपका वेट कर रहा था जी। मेरा मतलब आपके रिसीव करने का। अच्छा अच्छा, प्लीज आइए। प्लीज वेलकम सर। अपन क्या देंगे रे? अपन इस पे सुनेंगे। चल हाँ चल। बॉस्टन मिशन हाई स्कूल की जानिब से हम सर्कल इंस्पेक्टर। मेरा कैसा दिख रहा? सर्कल टीचर के साथ शादी यही मना लेता? मेरे को भी ऐसी दिख रहा। वलीमा करने की जगह भी अच्छी है यहाँ। मेरा शादी भी स्कूल में चुआ। टीचर से आया से। करता हूं के दो अल्फाज कहें। यही मौका है साहब, मार दो चौका। आई लव यू। आई लव माई इंडिया। हम सबको अपने वतन इंडिया से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्यार में जिंदगी है, जिंदगी में प्यार है, वरना प्यार के बिना जीना बेकार है। आइए हम सब मिलकर प्यार करते हैं, मेरा मतलब है एक प्यार भरा गीत गाते हैं। का जरा करो के म्यूजिक तो लगाइए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। थैंक यू। हेलो सर, सर आपका बैग। सर हेलो सर, सर आपका बैग लेके जाइए। सर सुनिए। अरे बड़े भाई बैग दो यारो। एक्सक्यूज मी जी, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना था। जी बोलिए। आपकी शादी हो गई? जी जी नहीं। अच्छा करे, करना भी नहीं चाहिए। मेरे को देखो, मैं अब तक नहीं करा। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, जब तक के कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, हमको शादी नहीं करना चाहिए। हाँ। Thanks for the info. Welcome, welcome. मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? What? देखा, डेरिंग करे तो अपने सांप की जैसी करना रे। मैं भी डेरिंग करे रे, मगर पेल हो गए। ऐसा दिख रहा ये बात पूछ के मैं बहुत बड़ा बम। एसपी साहब का फोन है। यस सर। खान एक कॉलेज स्टूडेंट था, कुछ लोग उसको भागते हुए देखे। कम टू द ऑफिस इमीडिएटली नाउ। ओके सर, ओके चलो। सर यस सर, एज़ सून एज़ आई गेट एनी इंफॉर्मेशन आई विल पोस्ट इट टू यू सर। सर खान, वी हैव अ सीरियस इशू। अगर वो टीचर बैग लेके उस बच्चे के पीछे नहीं भागता, आज स्कूल, बच्चे, आप कोई भी नहीं बचते थे। सर मैं समझा नहीं सर। आओ मेरे साथ। अपार्ट फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग, we have another issue which is highly evolving in our city, that is recruiting people for terrorist activity. Just watch this. ये लोगों का इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है, अल कुबेर नाम से ऑर्गेनाइजेशन रन करते, और हैदराबाद में इनका मेन आदमी KN करीम नूरानी, he is the main culprit. KN के और कितने बाप है मैं नहीं जानता। They have all the young guys in their lobby. स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड यूथ और जो भी जिंदगी से परेशान है, वो लोगों को अपना टारगेट बना लेते। ये लोग दिखने में बहुत ही नॉर्मल रहते। दे कैन बी नेक्स्ट टू यू इन ए सिनेमा हॉल, इन ए रेस्टोरेंट और ए पान शॉप।
Coming to the point, about 8 months back, near about 10 students were caught in West Bengal, going to Middle East to get recruited into these terrorist activities. Now the main point, KN ka main aadmi hai Ajju. Agar Ajju ko arrest kare, to we can get hold of the whole gang. Sir, isme kuch photos hai, CCS se leke aaya. Look at him. He must be just 20 or 21. Kaisa in logon ke damag mein kachra bhar de rahe. Disgusting. Firasat? Sir. Do you know him? No, sir. Ajju? I am very sorry for the loss of Mr. Amjad. मुझे उनके जाने का बहुत अफसोस है. अमजद बहुत ही सीनियर टीचर थे. 7 साल से हमारे स्कूल में जनरल साइंस पढ़ाते थे. आप क्या पढ़ाते मिस? जी वो लैला, प्लीज. मैं लैला खातून, मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाती हूँ. मैथ्स पढ़ाती है. चुप्पू. सर रऊफ का एड्रेस मिल गया. मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे. नमस्ते जी. सर रौफ घर पर नहीं है, सिर्फ उसकी माँ है. कुछ बोली? नहीं सर, कुछ नहीं बोली. बहुत डरी हुई है सर. चलो. कहाँ है जी तुम्हारा बेटा? हाँ, कहाँ छुपा इसको? नहीं मालूम साहब, कल से घर को भी नहीं आया उन्हें. क्या करता था तुम्हारा बेटा? कुछ भी नहीं साहब, उसकी इंटरनेट की दुकान थी, घर पे भी वही करता था उन्हें. कोई है उसका दोस्त, गर्लफ्रेंड, कोई भी? दो लड़के हैं सर, उनको अरेस्ट किया है, उनका इंटरोगेशन चल रहा है. चलो. मोइन सर, इसके घर पे नजर रखो और रऊफ का जल्द से जल्द अरेस्ट होना जरूरी है. ओके सर. वरना और 100 रऊफ पैदा हो जाएंगे. ठीक है सर. चलो. ओके भाई, मेरे को माफ कर दो भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई. मेरे को घर को जाना है भाई, मेरे से काम नहीं होता भाई, मैं नहीं कर सकता भाई. प्लीज मेरे को छोड़ दो भाई, प्लीज मेरे को छोड़ दो भाई, मैं नहीं कर सकता भाई. प्लीज मेरे को माफ कर दो भाई, भाई मेरे को माफ कर दो, भाई मेरे को माफ कर दो भाई. मैं आपके पैरा पर दो, मैं पैरा पर दो आपके, मैं आपका नाम किसको भी नहीं बोलता हूँ भाई. आप प्लीज मेरे को छोड़ दो भाई, भाई मैं आपका नाम किसको भी नहीं बोलता हूँ भाई, कसम से बोल रहा हूँ भाई. प्लीज मेरे को बहुत डर लग रहा भाई, भाई मेरे को छोड़ दो भाई, प्लीज भाई, भाई मेरे को बहुत डर लग रहा भाई, भाई मैं आपका नाम किस. ऐसे कमजोर बच्चों को आइंदा मत बुला बेटा, ये लोग अपने बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं. साफ कर क्या? जी. हेलो, आ रही हूँ, जरा सबर कर रहे बावा. आ गया. गनीमत घर याद है, पहले तो भी दिन में एक बार घर को आता था, अब तो मेहमान के सर का आ रहा. सुने आ रहा क्या बोली मैं तेरे को? अब तक शादी हुई ना कुछ हुई, कल को अगर बीवी को भी लाएगा शादी करके तो उसको भी मेहमान बन के मिलने आएगा घर पे. तो आ गया शायद फोन. अब निकल जा, खाना जो रखे हुआ है ना वो भी फेंकते हुए जा. हेलो सर. जी सर. ओके सर, मैं भी पहुंच रहा हूं. तुम खुदा के वास्ते ये चीखा पुकारा करके अपना बीपी नक्को बढ़ा लो. हाँ, आधे घंटे में आके खाना खा लेता हूँ. और रहा शादी का, मैं एक टीचर को पसंद कर लियो, उसके पास अर्जी भी दे दी. अब कंफर्मेशन आते मैं तुम्हारे को बोल देता हूँ. ठीक है, खुदा हाफिज. अरे जाते आते उसका एड्रेस तो दे के जा, मैं जाके कंफर्मेशन लेटर लेके आती हूँ. अक्सर क्रिमिनल्स पुलिस वालों के सामने कांपते हैं. तू पहला पुलिस ऑफिसर है फिरासत जो एक क्रिमिनल के सामने फड़फड़ा रहा है. क्या बोलूं करीम साहब, वो लड़के के बॉम्ब ब्लास्ट केस के बाद शहर में रेड अलर्ट हो चुका है. मेरा एक मशवरा है आप लोगों से कि कुछ दिन के लिए शहर छोड़कर
अंडरग्राउंड हो जाएगी। गलती से अगर मेरा नाम आ गया तो मेरी नौकरी तो गई, मेरे जिंदगी के भी लाले पड़ जाएंगे। ए आराम से इंस्पेक्टर, आराम से। ए इंस्पेक्टर के लिए ठंडा ला रहे। जी भाई। सुन, ब्लास्ट में सिर्फ एक आदमी मरा, अगर पूरा स्कूल उड़ता ना तो आज हम लोग यहाँ तेरे साथ नहीं, समंदर में मच्छी पकड़ के रज्जगा करते हुए बैठते थे। क्या रे फिरासत, ये नया इंस्पेक्टर गुलरस खान कौन है बे? नाक में दम है साला, एसीपी उस पर बहुत भरोसा करता है। ब्लास्ट के बाद बहुत सारे सबूत उसके हाथ को लगे हैं, और तुम्हारी फोटो भी। कौन है रही जो मेरे को इतनी गौर से देख रहा, और आज तक मैं उसको नहीं देखा? फोटो है तेरे पास उसकी? दिखा। एक मिनट ठहरो, दिखाता हूं। ये है। क्या हुआ जो? हुआ नहीं भाई, होने वाला है। फिलहाल मैं चलता हूं। बैठ इंस्पेक्टर, बैठ, ठंडा पी के जा। अल्लाह हाफिज। निकलने की तैयारी कर। साहब, भाभी आज छुट्टी ले लिए होंगे, टाइमिंग के हिसाब से अब तक तो निकल जाना चाहिए था। तेरी काली जबान को लगाम दे, नहीं तो डांबर डाल के सील कर देते। पायलट बोला ना रे, काम मुझ भाई। इधर आओ बेटा। ये लैला टीचर नहीं है क्या? लैला टीचर अब हमको नहीं पढ़ा रहे, जॉब छोड़ के चले गए। थैंक यू सर। आए मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोश रहना सीखो। साहब अब उदास नको हो जाओ, आपकी शादी आज नहीं तो कल हो जाती, और उनसे नहीं तो किसी और से हो जाती। चुप बे। अरे उनसे जो थी साहब, भाभी सुपरमार्केट में जा रहे, देखो उधर देखो, मैं भी देखा। साहब इन्हें झूठ बोल रहे, काका के इसका दिमाग खराब हो गया साहब। अगर तेरी बात झूठ निकली हा? तो तू जिंदगी भर खाना नहीं खाएगा, और अगर तू झूठा निकला तो तू मरे तक खाना खाएगा। मैं सही बोल रहा हूँ साहब, ये देखो आप जाके तो देखो आप। ठीक है, एक बार देख क्या, तो उसके बाद तेरा बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लैला जी। ओ वालेकुम अस्सलाम, आप इधर किधर? वो स्कूल को गया था आपसे मिलूंगा बोल के, तो बच्चे बोले लैला टीचर अब हमारे को नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी है। थैंक यू सर। जी हो, मैं वो जॉब छोड़ दूँ। उस हादसे के बाद कुछ अजीब सा डर लगने लगा और एक घबराहट सी हो गई। आई मामला नहीं जमे जैसा दिख रहा, इन्हों तो इजी ले ले रहे। अच्छा करे आप जॉब छोड़ दिए, अब आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है कोई भी। क्या मतलब? मेरा मतलब एक पांच सेकंड तो प्रिपेयर होके बोलना पड़ता। क्या बोलूं लैला जी, सॉरी, घर में एक बुढ़ी माँ है, उसका हाथ बटाने एक बहू नहीं है, काम करने के वास्ते नौकरानी नहीं है, सारे काम मेरे कुछ करना पड़ रहा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, यहाँ तक के खरीदो फरोख्त भी मेरे कुछ निकल के करना पड़ रहा। अब आप ही बोलो एक आदमी कितना काम करेगा। हाँ ये आप इस्तेमाल कर। नहीं, नहीं, ये मेरे बच्चों के वास्ते लिया, मेरा मतलब मेरे बाजू वाले बच्चों के वास्ते लिया। अरे गलती से ले लिया जी। सुनिए आप ऐसा भाग भाग के गुजारे, शीटिंग्स वाले देखेंगे मेरे को, ह्यूमन हरासमेंट केस में अंदर कर देंगे ना। हाँ आप क्लियर क्लियर बताएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं? मैं ज्यादा नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बन के आ जाएंगी तो मेरी वीरान जिंदगी में एलईडी लाइट चमकने लगेंगी। छक 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 छक। देखिए गुलरेज सर, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए कुछ दिन के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी जॉब प्लेसमेंट ऊटी में हो चुकी है और मैं कल ही यहाँ से जा रही हूँ। अगर मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, बाय। मैडम ऊटी को चले जा रहे कहते हैं, जाओ बेटा वापिस अंदर। हेलो, क्या है रे फिरासत, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? भाईजान मैंने आपको कितनी बार बताया, मुझे एक मैसेज छोड़ दीजिए, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। आज शाम को हम ऊटी रवाना हो रहे हैं, कुछ हथियार चाहिए, संभाल ले। हो जाएगा, उसका नाम मनोहर काका है।
ऊटी में काका को मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेजता हूँ। मैं अब रखता हूँ भाईजान, यहाँ पर बात करना खतरे से खाली नहीं है। मनोहर उर्फ काका 10 साल पहले भागा था कोचीन से मुंबई। पहला मर्डर 3,000 रुपए के लिए। आज करोड़ों के हथियार का व्यापारी है। ऊटी में काका को मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको। Do you recognize this voice, खान? सर, ये तो फिरासत की आवाज है। दीवारों के भी खान होते हैं। कुछ चूहे ऐसा होते हैं जिनको बिल में से निकालने के वास्ते बिल में हाथ डालना सर, पड़ता। मैं क्या करा? Shut up! मैं क्या करा? मैं क्या करा? देश और ईमान दोनों बेच दिए, और क्या करना बाकी है तुम्हारे को? डालो अंदर इसको। उड़ी मिनका। सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? मेरी बात तो सुनिए सर। मिस्टर खान। सर। I am sending you on a special mission. सर। ये फिरासत के कन्वर्सेशन के मुताबिक, केन एंड अज्जू हैव चेंज्ड देयर लोकेशन। जी सर। You will be going there. जी। All arrangements have been made. Your first target there will be Manohar उर्फ काका। सर। Remember, you are not going to attack until you have a proper backup. सर। मगर जाना कहाँ है सर? ऊटी। ऊटी? थैंक यू सर। मगर खान, तुम्हारा चेहरा देख के आई कांट फिगर आउट वेदर आप खुश है या डर रहे। नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे को ऊटी भेज रहे ना। बट खान, आई एम सेंडिंग यू ऑन अ डेंजरस मिशन। अरे सर, कितना भी डेंजरस मिशन रहे तो मैं ऊटी जाऊंगा, उसको ढूंढ के निकाल के लाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा। किसको? केन और उसके साथियों को सर। जय हिंद। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। साहब, ये इतनी दूर ऊटी को कहीं जा रहे अपन? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वहाँ की पुलिस देख लेती ना। मुंह को अच्छी बात आ रही, कहीं जा रहे बोलता था। खामोश गाड़ी चला। भाई। परम सलाम बेटे, एक चाय मीडियम स्ट्रॉन्ग, शक्कर कम। रोज वही बोलते जी भाई, बार बार आप बोलना पड़ता। हम यहाँ तो एक दिन तुमला तुम्हारे हिसाब से बना देते। मधुरू खाला के घर में कौन है? मियाँ नए किराएदार है। इंक्वायरी करके बोलता या ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है तेरे पास? बम्बई के लोग आए हैं, बद्रू खला के घर की फैमिली है। वो सब कुछ छोड़, वो जो लाल ड्रेस में बच्ची है ना, उसके बारे में बोल। रिश्ते देखने आए, बद्रू खला की भतीजी है। बम्बई से हैदराबाद रिश्ते देखने आए? अब तू बोल, हैदराबाद में अपने से स्मार्ट बच्चा कोई है? आपकी वैसा स्मार्ट बच्चा हैदराबाद में मिलना मुश्किल है भाई। ये ले 20 रुपए। 20 रुपए? 20 रुपए के कुछ भाई, 10 चाय के, 10 मेरी तारीफ। शुक्रिया जो भाई। अस्सलाम गुलेज भाई। वालेकुम सलाम अज्जू मियां, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रही? कॉलेज से आ रहा था भाई। अच्छा, क्या हुआ आपके इंस्पेक्टर के पोस्ट का? खुशखबरी कब दे रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगा खुशखबरी। अब तुमको तो मालूम है कि सरकार की हालत, फाइला हल्लू हल्लू सरकते। आप क्या बोल? बोल देना था सरकार को, सर कायदो फाइल नौकरी के लिए। और पढ़े कैसी चल रही तुम्हारी? बस इंजीनियरिंग खत्म पे भाई, होते ही सऊदी या दुबई में अच्छा जॉब देख लेने का प्लान है, फिर उसके बाद शादी करके बीवी को वहीं बुला लेता हूँ। अच्छा भाई, शादी से याद आया, ये बद्रू खाला के घर में कोई नए किराएदार आए शायद, उनकी भतीजी मस्त है, आज ही देखा। आए हो, बात जम गई तो दोनों एक ही शादी खाने में निकाह पढ़ा लेंगे, खर्चा बच जाता। वैसे मैं सुना बस जगह ऑफर चल रहे थे, बाय वन गेट वन। चलो भाई, चलिए मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। क्या हुआ निजाम, बहुत दिनों के बाद आए हैदराबाद को, कुछ खास काम से आए क्या? काम कुछ खास ही है। सलाम खाला। वालेकुम सलाम अज्जू।
सलाम भाई, ये आपके बम्बई वाले भाई है शायद? हाँ बम्बई वाले, कल ही चाय से बम्बई से। क्या करते बेटा तुम बच्चे? अभी तो इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ साहब, उसके बाद इंशाल्लाह अच्छी जॉब देख के दुबई जाने का प्लान है। पैसे कमाने का शौक है? वो किसको नहीं रहता साहब। शादी वादी करने की सोचे या नहीं? हाँ सर, पढ़ाई खत्म होते इंशाल्लाह। वो वालिद साहब थोड़ा पैरों से माजूर है, इसलिए सब मेरे को ही करना है। ये मेरी बेटी है रेहाना, इसके लिए कोई अच्छे रिश्ते है तो बोलो। जी इंशाल्लाह बोलता हूँ। डायरेक्ट बोलो ना चीचा, बेटी से निकाह पढ़ा लो बोल के। चलिए सर, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खाला चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। चाय कौन सी? मीडियम स्ट्रांग शक्कर कम, अभी बना रहा हूँ। वो जल्दी समझ गए तुम। चाय रहने दे, आके पीता हूँ। ठीक है जो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही? मार्केट। अकेले बाजार नहीं जाना कहते? क्यों? यहाँ के पोट्टे खतरनाक रहते, छेड़ उड़ देंगे। पोट्टे? आप पोट्टी समझे नहीं? देखिए हैदराबाद में पोट्टे बोले तो लड़के, बॉयज, बच्चे, और हिंदी में पोट्टी बोले तो खैर। वैसे आपके वालिद साहब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मेरे को, आपके लिए रिश्ते देखने की। वैसे मैं भी मेरे लिए लड़की देख रहा था। आप कहाँ तक पढ़े हुए? मेरे ख्याल से आप डैडी से बात कर लीजिए। अरे रे 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 रे, समझ लिया हमने तेरा इशारा है, तेरे डैडी ने हमें चाय पे बुलाया है। अच्छी है सर, अच्छी है। चाय? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी है। खुशी की बात यह है कि रेहाना तुमको और तुम रेहाना को पसंद हो। जी। ये मेरा बेटा जुबेर है, हम लोग कुछ खास काम से हैदराबाद आए हैं। काम होते ही इंशाल्लाह हम तुम्हारे वालिद से मिलके शादी की बात पक्की कर लेंगे। वैसे तुम्हारे पास गाड़ी है क्या? गाड़ी? घबराओ मत, मैं तुम्हारा स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ,
डैडी की है सर, मारुति 800, वो कभी कभी निकालता हूँ लाइक संडेज घूमने। जुबेर को कुछ काम है, उसके साथ बाहर जाकर आओगे? जी सर, गाड़ी ला लेता हूँ। हेलो जलाल भाई, एड्रेस किधर है? हाँ ठीक है, समझ गया। सीधे चलो। हाँ कौन सी गली? ओके एक काम करो, आगे से राइट ले लो। भाई ये यही राइट है क्या? नहीं इसके बाद वाला ले। रास्ते बड़े खराब है। भाऊ पहुंच ले मैं। यही है क्या भाई? हाँ यही है, चलो जाके आते हैं। नहीं भाई मैं इधर ही बैठता हूँ, आप जाके आओ। कोई बात नहीं, चलो जाके आते हैं, आ जाओ। जलाल भाई जलाल भाई क्या चाहिए? 5068। ये कौन है? होटल के पास ये लौंडा जाएगा, इसके नाम पे बनाओ। भाई आपका पूरा नाम क्या है? मेरा मोहम्मद अजमतुल्ला शरीफ। अंदर आओ। चलो भाई ये बैग में क्या है? कुछ नहीं, डैडी की दवाएं हैं, बॉम्बे में भूल गए थे, इन्होंने ला दिए। मेरा नाम पूछने की कोई खास वजह तो नहीं थी ना? कुछ नहीं, तुम पहली बार मेरे साथ आए हो ना, इसलिए पूछ रहे थे। चलो साले फंसाया तो बहुत बुरा मारता हूँ तेरे को बेटा। ये चने बेरोजगारी में बहुत काम आते चिच्चा, कम से कम मुंह को तो बिजी रखते। जरा दुआ करो, जरा जॉब मिल जाना। बल्कि अरे वालेकुम सलाम अजूमिया, क्या हाल है भाई, कहाँ है, किधर है? बस आओ बैठेंगे, बात करेंगे। क्या बात है, बहुत कलरफुल दिख रहे हैं आज। हाँ कोई कलर हाथ को लगा क्या? बदरू खाला। बदरू खाला की भतीजी। क्या बात है, क्या बात है यार। मामला लाइन पे आ गया नहीं अभी? कॉल वेटिंग में है। अपना कॉल वेटिंग में भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अपना सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, बात शादी तक चले गई। बहुत ही फास्ट जा रहे मियां तुम। खैर बाबा तो खुश होंगे तुम्हारे लिए, चने खाओ। जियो भाई, जाहिर सी बात है वालिद साहब की देखभाल करने वाला भी कोई भी नहीं है, बेचारे दोनों पैरों से माजूर है। मेरे वास्ते भी दुआ करो मियां। जिस दिन पुलिस की वर्दी पहन लिया ना, ये क्रिमिनलों को, ये सूदखोरों को, ये रौडियों को चुन चुन के मारूंगा। आता गुलगुला रहे मेरे, सही बोल रहा हूँ। खुदा हाफिज। अरे कई को? अरे तुम कई को डर रहे मियां, तुम ठहरे शरीफ आदमी। नहीं भाई बोल नहीं सकते। और एक पैकेट दो, आधी उन्हें खा के चले गए। वालेकुम सलाम। अरे मियाँ पढ़ाई पे ध्यान दे रही या खाली आशिकियां कर लेते फिर नहीं? कॉलेज खत्म होने एक महीना बचे हुआ है, तुम्हारे को अब याद आ रहा बाबा मैं आशिकियां कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ? अरे मियाँ वो अक्सर कॉलेज खत्म होने के टाइम ही दिला मिलते, हमको पूछो, हम भी बहुत करे हुए ऐसे काम। तुम्हारे वालिदा जन्नत नसीब उन्होंने स्टैंडली में पढ़ते थे, हम निजाम कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हों उधर से हमको देखते थे, हम इधर से उनको देखते थे। क्या जमाना था। वाह 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 वाह, अब मेरे को भी ऐसी करो बर्रे बाबा तुम। अरे देखो मियां अब तुम्हारी जिंदगी है, हमारा क्या हुआ गया, दोनों बावा खबर में लटक रहे। और 50 साल की गारंटी तो मैं ले रहा हूँ तुम्हारी, इतनी जल्दी नहीं आते तुम। क्या बोले? अच्छा वो मारुति कार कहीं को निकाल रहे मियां बार बार, तुम्हारे को बाइक दिला दिए ना? अरे खास दोस्त का मसला था बोल के निकाला जी बाबा। अरे मियाँ निकाले तो निकाले, बाद में कपड़ा उड़ा के रख दो, मैं मरने के बाद कुछ भी कर ले।
घर में बोल के आए? जी, बिना परमिशन के मैं कोई काम नहीं करती। आपके वालिद साहब क्या करते? बिजनेस? किस चीज का? वो मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे डैडी से बहुत डर लगता है। क्यों, कोई खतरनाक काम करते क्या? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। रेहाना एक सेकंड बैठो, क्या हुआ ऐसा, उठ के बीच अदर चले गए तो कैसा? कुछ तो बोलो, आखिर क्या करते तुम्हारे डैडी? देखो अज्जू, मैं मेरी पूरी जिंदगी डरते डरते जी हूँ। मेरे डैडी का बिजनेस थोड़ा अलग है, वो बॉम्बे और हैदराबाद में हवाला का पैसा ट्रांसफर और स्मगलिंग करते हैं। और तुम्हारा भाई क्या करता? वो डैडी के साथ ही काम करता है। तो अब क्या करना मैं? मेरी पढ़ाई बीच में है, सडनली तुम कॉलोनी में स्लो मोशन में एंट्री दिए, मैं हौला बन गया ना। इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो खुद ही इस मुसीबत से निकलना चाह रही हूँ। जुबेर, अब तक तो रेहाना ने तुमको सब कुछ बता दिया होगा, अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते से पीछे हट सकते हो, और अगर तुम रेहाना को चाहते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो कल तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, और हैदराबाद में हमारा ये आखिरी काम है, उसके बाद रेहाना तुम्हारी, फिर मैं और मेरा बाप तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। करना क्या है? कुछ नहीं, मेरे साथ चलना है बस। अम्मी, अजी अम्मी, क्या हुआ बेटा? अरे कहाँ है जी? ये देखो अपॉइंटमेंट लेटर। किसका? अरे तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी खुशखबरी सुनाया तू। आज तेरे बॉस जिंदा होते तो कितना खुश होते थे। ठहर, मैं दो रकात शुक्राना नमाज पढ़ के आती हूँ। इधर आओ जी, पहले ये पूछो मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई। कहाँ हुई? कहीं जंगल में तो उठा के नहीं डाल दिया तेरे को? तुम्हारे बेटे को जंगल में? यही छुई हैदराबाद में सिटी में। लौड़ा कच्चा है, थोड़ा देख समझ के काम करना, इस बार हमारा नाम डील में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भाई जी, अंदर तो वो जाएगा, मैं तो बाहर रहूंगा। करेगा क्या वो काम? भाई जी, हैदराबादी लड़के प्यार में बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं। जब भाई जी को हमारा बाप और मुझे तुम्हारी बहन समझ सकता है तो कुछ भी कर सकता है। अज्जू, तुमको अंदर जाना है और ये पार्सल देना है, और वो जो पार्सल देंगे वो लेके आना है। भाई, कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं है ना, मेरे करियर का सवाल है। तुम टेंशन मत लो, हम क्या ड्रग्स बेचने वाले हैं? सही है भाई, लेकिन अब जो मेरे से आप मंगा रहे वो क्या है? अरे कुछ नहीं, थोड़े गोल्ड बिस्किट्स है और कुछ इम्पोर्टेड वॉचेस है बस। अंदर आप भी जा सकते ना, मेरे क्यों भेज रहे? इस आदमी से मेरी जमती नहीं है, इससे पहले बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, इसीलिए इस बार मैं तुम्हारा नाम लिखाया। आईडी मांगेंगे, लाइसेंस दे देना, और हाँ कोड याद रखना, सफेद घोड़ा। क्या हो ना? सफेद घोड़ा। चलो चलो अंदर। आईडी लाया क्या? हाँ भाई, लेके आया। हाँ, हैदराबादी जलाल तो बोला बम्बई का पार्टी है। भाई वो क्या है ना, बॉम्बे का ही हूँ लेकिन हैदराबाद में रह रहा हूँ ना, इसके लिए थोड़ी हैदराबादी चढ़ गई लिए, और क्या। चल शाना मत बन, आईडी दिखा। बस क्या हुआ है? बैग उसको दे। हैदराबाद में किधर ठहरा है? भाई वो स्टेशन पे शालीमार होटल है ना, उधर ही रुके लाओ। मीना में रुकना था ना, एक नंबर आइटम लोग है। भाई दे उसको। भाई मैं जाऊं क्या? बैठना, दारू पीना? नहीं भाई, चलता हूँ। फिर पूछा क्यों, चल वट ले। थैंक यू भाई।
ले भाई। चल 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 गाड़ी निकाल निकाल गाड़ी। भाई ये कोकेन है ना? मालूम था मेरे को। अरे क्या फर्क पड़ता है, पहले निकाल गाड़ी यहाँ से, पुलिस आ जाएगी, लफड़ा हो जाएगा, चल पहले निकल। तू निकाल, उतर मेरी गाड़ी में से। हॉल में गया तू, तेरा बाप, तेरी खाला और तेरी बहन की, तो चल साले उतर मेरी गाड़ी में से। अरे अरे गाड़ी मिली लफड़े में फंसा ली के। रे बंडी दीरा, एक दलिंदर गाड़ी बाबा बेच के भी नहीं छोड़ रहे इसको। रे लोपल इंद्रा बोल, किसके वास्ते काम करता है रे तू? सब मेरा एक केस से कोई भी कनेक्शन नहीं है साहब, मैं सिर्फ जुबेर के साथ आ गया। मैं स्टूडेंट हूँ सर, बद्रू काला की भतीजी के साथ मेरा रिश्ता होने वाला था बस। बद्रू काला, काला के घर पे ताला है, काला के घर पे ताला है, भाग गई साली पूरी मंडली को लेके। क्या बात है रे? अभी जिसको आप अरेस्ट करे ना साहब, उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहा करते। बोल रहे साहब, अज्जू भाई हमारे उस कॉलेज में रहते और उनको कई सालों से पहचान तो साहब मई कॉलेज के स्टूडेंट साहब, बद्रू खाला की भतीजी के साथ उनका रिश्ता होने वाला था साहब। साला तेरे को भी अंदर डाल के उसके साथ तोड़ दूंगा, इधर ही टोक देता हूँ। चल कहाँ कहाँ से लेके आता रहे इन लोगों को। सॉरी साहब। बिस्तर डाल, सोना है मेरे को। अच्छा साहब। हेलो सर। बैठिए, बैठ के बात करिए। ये अजमत की जमानत के पेपर्स हैं। रे वो हीरो को छोड़ो रे। साइन करो उधर। करो साइन करो। रे सेंट्रल दी। तीसकेलांडी। वो दिन वही पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग हुई। आदा। मुबारक हो साहब, इंस्पेक्टर बन गए। अच्छू चलता हूं मैं। चलो अज्जू। उस दिन मैं अज्जू को आखिरी बार देखा, उसके बाद अज्जू अज्जू ने रहा। अज्जू की गिरफ्तारी का सदमा उसके वालिद साहब बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका इंतकाल हो गया। साहब बुला रहे। कौन साहब? जो तुमको बाहर निकाले। अपने दिमाग पे जोर मत डालो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, तुम्हारी जमानत मैंने क्यों दी।
मुझे अपना दोस्त अपना हमदर्द समझो और अब ये सोचो तुम अपनी जिंदगी में कहां खड़े हो, उसी पर गौर करो। तुम्हारा करियर तो बर्बाद हो गया, अब तुम्हें क्या इज्जत मिलेगी अपने मोहल्ले में, दोस्तों में? मैं तुम्हें एक अव्वल दर्जा दे सकता हूं खुद की नजर में और अल्लाह की नजर में। तुम्हें जिसने अंदर कराया और जिस लड़की के चक्कर में तुम्हारी हालत हुई, दरअसल वो जुबैर की बीवी है। ना निजाम उसका बाप है ना जुबैर उसका भाई, ये सब ड्रग्स का धंधा करने वाले लोग हैं। दिल में नफरत, दिमाग में गुस्सा, लो मिटा दो सब कुछ। एक बार और सोच लो, जो दुनिया में तुम वापस जा रहे हो वहां तुम्हारा कोई नहीं, और अगर मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो सब कुछ मिल सकता है जो तुम चाहो। पहली बार हर किसी के हाथ कांपते हैं, फिर आदत पड़ जाती है। वो कहां मिलेंगे मैं जानता हूं। जल्द से जल्द मुंबई निकल जाना है, इजाज को एडवांस दे चुका हूं। वैधानिक सूचना, इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को बर्दाश्त करता, हो गई बर्दाश्त की इंतहा, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। चले शानिया, डायलॉग बंद कर, गन नीचे कर। हैदराबादी गोली खा। सर वेलकम, सर वेलकम। सामान तो आप अंदर ही छोड़ दीजिए, वो हम सब लेके आ जाएंगे। आप प्लीज अंदर चलिए। आइए सर आइए। लवली लवली वेलकम सर। आइए सर आइए। माई सेल्फ टिंकू लाला। Nice name. ACP साहब ने कहा था आपको रिसीव करने के लिए, आने में कोई दिक्कत हुई का? होगी भी कैसे, हम जो है यहाँ, आपका सामान लगे सब हम देख लूंगा। एंड डोंट फियर व्हेन टिंकू इज हियर। हमारे बांधे का नाम भी टिंकू जी। नाइस मीटिंग यू सर। माय सेल्फ हेड कांस्टेबल चांदपा। ओके, हमारे टिंकू भाई आते पहले भिंगने डाल दिए, हालात बुरे हालात अच्छे। अब वो सब छोड़ो, पहले रूम किधर है, खाने पीने का क्या इंतजाम करे, पहले वो बोलो जान। सर ऐसा लवली लवली इंतजाम करा हूँ, मुर्गा सुर्गा सब बनाता हूँ। नाउ प्लीज कम विद मी। चलिए फिर जल्दी। हाँ प्लीज फॉलो मी। साहब ये टिंकू को अंदाजा होगा अपन जो तड़ी देते हैदराबाद में, मुर्गी तो खाली ऐसा सॉलिड निकल लेता हूँ। इन्हें यहाँ ड्यूटी करने आया, खाना खाने आया? हाँ चलो। सर जी ये आपका लवली लवली कमरा। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का इंजन चल है पिया। अरे सर जी आप तो एकदम माइंड ब्लोइंग लवली लवली पर्सन है, आपको तो इंस्पेक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था। एक्टर ही नहीं क्रिकेटर भी हूँ मैं तो, सचिन से बड़ा हार्ड हिटर भी हूँ। अब टिंकू जी कृपया मेहरबानी फरमा के आप जाइए और हमारे लिए लवली लवली खाने का बंदोबस्त करिए। जाइए, हम अभी राइट नाउ करेंगे यहीं पे, ऐसा खाना कि आप अपना उंगलियां चाट जाओ। हमारे टिंकू भाई यस सर, पहले जाओ और इंतजाम करो, हरकत करे तो बरकत होती। अभी हम जा रहा हूँ लवली लवली इंतजाम करने। हेलो हेलो खान। जी सर। होप यू रीच्ड, कल सुबह से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। शर्मा जी विल टेक केयर। ओके सर, जय हिंद।
अबा पूरा चैनल ना दे रहा है तेलुगु पाट पेटे तेरा गांव कौन सा है रे कम मम वहीं सुन समझा सब पलंग के तो पैसे नहीं है आप कहां सो रहे जा तुम दोनों पैरा पसार के लेटे हुए हैं ना वहां सो रहे यहां से हम सीधा जाएंगे ना वहां पे एक मार्केट एरिया है बड़ा नहीं है थोड़ा छोटा है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन वहां मिल सकता है शर्मा जी कहाँ है वो वहीं मिलेंगे आपको एक 10-15 कदम और आ गए समझिए ये रहे शर्मा जी गुड मॉर्निंग शर्मा जी गुड मॉर्निंग नाइस टू मीट यू बुल्ले सर कैसी चल रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बस मैं आपसे बाद में मिलूं ठीक है मैं शाम को आपको कॉटेज पर मिलता हूं ओके ओके छोटे मोटे शहरों में अक्सर बड़े लोग मिलते करते आप हैदराबाद छोड़ के ऊटी आगे मेरा पीछा करते करते अरे मैडम मैं आपके पीछे नहीं आया मैं किसी और का पीछा करते करते आपको वहाँ पीछे से देखते हुए आया आप ड्यूटी छोड़ के जो लड़कियों के पीछे फिर रहे ये बहुत गलत बात है अरे छोड़ो मैडम हम पुलिस वालों की नजर चारों तरफ रहती कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना कौन कब कहां से और कैसे रपस में आ जाए नहीं मालूम आप एक मिनट ठहरिए मैं भी आ रहा हूं हेलो अजू भाई हाँ मलिक बोल अजू भाई इधर मेरे को बहुत बड़ा लफड़ा लग रहा है हेलो 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 अजू भाई अबे तेरी आवाज नहीं आ रही जोर से बोल अरे मेरे को सुनाई दे रही है आपकी आवाज सुनो अजू भाई इधर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुफ्ती में कुछ लोग घूम रहे हैं मेरे को लग रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन दी है किसी ने एक मिनट लोग तोड़ती हुई चिड़ी के पर गिन लेते हैं मगर हम वो है जो समंदर की गहराई में तीरती हुई मछली के भी गिन लेते हैं समझा चल किसका फोन था भाई वो मलिक का फोन था उसकी आवाज नहीं आ रही थी इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है उसको छोड़ मनोहर को फोन कर हाँ लेटेस्ट माल अपडेट लटकाई को वेस्ट करता है अकाउंट में लिख लेना 20 AK-47 50 ग्रेनेड और 30 किलो साबुन 3 दिन 30 किलो क्या पूरा सिटी उड़ाने का है क्या उससे भी बड़ा एक काम है परफेक्ट पुलिस का तो कोई लफड़ा नहीं है ना इतना ठंडा जगह कौन चेक करेगा ना नो टेंशन रख दे तमी बैक पलमा पलम पलम परसों मिलते हैं भाईजान के साथ ओके अजू मनोहर काका हियर कोई फिक्र का बात नहीं है थैंक्स मुंह खोला इन्हें मुंह तो खोल रहा मगर मुंह से कुछ बोल रहा नहीं सब काली काय काय कर रहा कवे की तरह काय काय नहीं रे इन्हें हम पकड़ता बोल बोल तुम लोगों के प्लान क्या है बोल तू वो देगरती चमड़ी का दिख रहा रे तेरे पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है एक 500 रुपए की बुलेट वेस्ट कर लेता है मैं बोलता हूं हथियारों की डील होने वाली है अपने ये मनोहर काका की और हैदराबाद में बहुत बड़ा अटैक का प्लान है करीम नूरानी का जो मेरे को मालूम था मैं बोल दिया साहब इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं मालूम था क्या हो गया रे तुम लोग ना खुद चैन से रह रहे ना देश को चैन से रहने दे रहे हां करीम नूरानी का इमीडिएट अरेस्ट होना बहुत जरूरी है बिफोर इट्स टू लेट ओके साहब मलिक साहब का एनकाउंटर कर देंगे क्या मलिक साहब को जरा तेलंगाना स्टेट पुलिस की खिदमत में पेश करेंगे लेके चलो इसको चल चल रहे सर आई डोंट थिंक आपको सिर्फ दो कांस्टेबल के साथ उनके हाइडआउट पे जाना चाहिए यू नीड मोर फोर्स शर्मा जी 4-5 लोगों को पकड़ने के लिए अगर पूरी फोर्स को ले जाएं तो फिर हमारा फोर्स में रहने का मतलब क्या है रिमेंबर यू आर नॉट डीलिंग विद ऑर्डिनरी पीपल दे आर टेररिस्ट आई नो दैट आई नो व्हाट आई एम डूइंग ख्वाबों और हकीकत में जब भी तकरार हो जाती है तो जीत हमेशा हकीकत की होती है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बुलंदियों का पूरा दारोमदार हमारी फुल प्रूफ प्लानिंग के ऊपर है मैंने जो कहना था सो कह दिया आगे आपकी मर्जी जय हिंद अरे आप यहाँ खड़े हुए मैं आपको आज चाय के बागों में ढूंढ रहा हूँ और आप झील के इस पार खड़े हुए वैसे मैं आने वाली नहीं थी बोलिए क्यों बुला देखो एक बात बोलती आप सुकून के वास्ते यहाँ आए ना जी मगर सबसे ज्यादा दहशत तो यहाँ दिख रही मेरे को क्या मतलब अरे कल मार्केट में देखे हम आतंकवादी को पकड़े सो
जी हाँ। जी हाँ। ऐसा इजी लेके बोल रहे आप, ऐसा दिख रहा मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ आपको? मैं भैंस दिख रही हूँ? आप मेरी बात को गलत लीजिए, मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं था। ये देखो, अगर आप असल में सुकून चाह रहे ना, तो सुकून यावा नको ढूंढो, सुकून ढूंढो मोहब्बत में, मोहब्बत में। हाँ, अरे उधर क्या देख रही, मोहब्बत आपके सामने खड़ी हुई है। हाँ, कब से बोल रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सुन रहे नहीं? अरे हम चाह रहे हैं आपको, आप चाह रहे हैं जंगल के झाड़ों को। ए, खामोश बैठ रहे, साहब बिजी है। तू मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा, खामोश रोमांटिक सीन देखने दे खाली। साहब अरे क्या हुआ, बाद में आना क्या साहब? ड्यूटी फर्स्ट, बोलो क्या बात है। मनोहर काका के अड्डे का पता मिल गया सर। क्या सर जी, आप आने से पहले उन्होंने दो पंक्तियां जो सुनाए थे ना, वो आप नहीं सुने? अरे साहब ये टिंकू के बेकार पता छोड़ो, वहाँ डील कभी भी हो सकती, पहले वहाँ जाएंगे अपन। एक मिनट, क्या हुआ? जा रहा हूँ भाई, याद रखो किस्मत से मिलते मिलिट्री वाले और पुलिस वाले। चलो साहब, ऐसा दिख रहा अपन बहुत जल्दी आ गए, टेरिस्ट इतना सुबह नहीं उठते साहब। अभी तुम लोगों को सही साबेखा नहीं पड़ा, हैदराबाद में बिरयानियां चाया पाना खा के खाली पेटा निकाल रहे हैं तुम लोग। बेटा जिस दिन मौत सामने आ जाएंगी ना, जी फट के हाथ में आ जाना। साहब आ गई मौत, मेरा मतलब गाड़ी आ गई। चलो आओ, आज करीम भाई का डिलीवरी है, मेरे को कोई लफड़ा नहीं मांगता, माल लोड कर। काका सलाम अलैकुम करीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, पेमेंट मिल गया? कब का अज्जू दिया ना, आपका माल भी रेडी है, देखो चलो। करीम भाई बुलेट काई को वेस्ट करता है? बुलेट वेस्ट नहीं करता है, टेस्ट करता है। लोड कर दो। ए मनोहर, पुलिस यहां कैसे? कौन दिया रेटिपी? मेरे को नहीं मालूम, तुम्हारा ही कोई आदमी हो सकते। बहुत अच्छे अजू, हाँ एक इंजीनियर स्टूडेंट आज टेररिज्म की पढ़ाई पढ़ रहा हूं। वाह, तुम कुछ और थे कुछ और बने, तुम ऐसे कैसे कमजोर बने? नाम कुछ और रखा था घर वालों ने, तुम खातिल और गद्दार बने। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी आंखों में रास है गहरा, तारीफ करूं क्या तेरी जिसने तुझे बनाया। कमान इन सब को अरेस्ट करो और माल जब्त करो। मार देना था, इतनी देर गाने गाने की क्या जरूरत थी, लग गई ना गोली, यहाँ अगर पड़ती तो चले आते थे। सबको छोड़ा साहब, हॉस्पिटल चला साहब, हॉस्पिटल चला। सारे रास्ते ब्लॉक कर दो, अगर वो लोग भाग के निकल गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जी सर। व्हाट द हेल इज दिस खान, क्या तुम अपने आप को हीरो समझ रहे? नहीं सर, वो इतना ही चाहिए तो फिल्मों में काम कर लेना था। मैं तुमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालो बोला था। एंड आई वांट यू नॉट टू अटैक अंटिल यू हैव प्रॉपर बैकअप। एक्चुअली सर मैं ये सोचा नहीं था ऐसा होगा। Abort the machine and come to Hyderabad immediately. Excuse me, sir. Sir, आपसे कोई मिलने आए? कौन है रे? मैडम आइए, आइए आइए। कम मैडम कम। अरे आप कैसे हैं? सर मैं जाऊं सर? दिखने को। ओके सर, जय हिंद सर, मैं इधर ही हूँ सर, अगर आपको कुछ चाहिए तो सर आवाज दीजिए सर, मैं दरवाजे के पीछे हूँ सर। अरे जा। सर जय हिंद।
डोर क्लोजर। ओके सॉरी, आपको इस हालत में पहली बार देख रही हूँ। आप कहीं को सॉरी बोल रही? जो मेरे पे गोली चला है उन्हें सॉरी बोलना। आप बोले थे ना पुलिस वाले और मिलिट्री वाले लड़कियों को किस्मत से मिलते हैं। जी हो बोला था, आगे बोलिए। जी वो मिल गया क्या वो पुलिस वाला? कैसा है मेरा बच्चा? मर कहीं को नहीं गया गोली चलाने वाला तेरे ऊपर? कहीं इधर उधर लग जाती तो खैरियत से तो है ना? अरे अम्मी आपकी दुआ है बस, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे को मालूम होते मैं फ्लाइट से उड़ लेके आई अभी। ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। तू बोल रहा था स्कूल की टीचर है, उन्हें कहा है? इन्हीं छह। तुम उतनी दूर हैदराबाद से गुलरे से मिले आए क्या? अम्मी क्या है? तू चुप बैठ, क्या इरादा है तुम्हारा? जी वो आंटी। आंटी वांटी कुछ नहीं बोलना, पहले जवाब दो गुलरे तुमको पसंद है? जी अजय सुनो। तू चुप बैठ। हाँ या ना? हाँ। तो ठीक है चलो अब हैदराबाद जाएंगे और शादी की तैयारी करेंगे। अरे अम्मा मेरा मिशन है यहाँ पे खत्म। अरे छोड़ो तुम्हारा मिशन सब चलते रहता, उमर निकल जा रही तुम्हारी मिशनों में। अब भी टिकट बुक करा रही हूँ। क्या साहब हैदराबाद जाना मना हो रहा? यस। अरे साहब इतना जल्दी चल जाएंगे? मौसम इतना ठंडा है, एक दो दिन रुक के जाएंगे। वरुण केन साहब तो निकल गए अपनी टीम को ले लेके। तेरी चर्बी गलाने की दवा का ऑर्डर दे के आया हूँ हैदराबाद में, वो तैयार हो गई कते लेने जाना है। चलो कहाँ से आ रहे हो? ऊटी से। कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद। गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं, कपड़े। नीचे उतरो। मेरे 20 इयर्स का सर्विस में ऐसा हरकत कभी नहीं करा जो तुम करे। दो कांस्टेबल और 6 गोलियों को लेके पूरे टेररिस्टों का अड्डा खत्म करने जाते मियां। सर आई वाज अबाउट टू अरेस्ट देम। खान छुट्टी ले लो, यू लुक वेरी टायर्ड, गो टेक सम रेस्ट। सर प्लीज सर, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन डू दिस सर, आई एम वेरी मच क्लोज। वी डोंट नो देयर लोकेशन एंड वेयरअबाउट्स। लास्ट नाइट दे क्रॉस्ड ऊटी बॉर्डर किलिंग वन पुलिसमैन। सर मेरे गेस के मुताबिक वो लोग हैदराबाद में ही है। गेस गेसा वैसा करने का टाइम है मियां? ये मेरे ऊपर भी ऑफिसर से उन लोगों को एक्शन चाहिए। गेस ने सर, आई एम कॉन्फिडेंट, प्लीज गिव मी 2 डेज सर प्लीज। ओके यू हैव 48 आवर्स, आफ्टर दैट यू आर आउट ऑफ दिस मिशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखा इनोवा गाने निकालते थे ना तो अंदर मजलिस नहीं बैठती थी आज। सही बोले तू, सही बोले। हुकुम के एक को बाहर निकालो। मेरे को मालूम है सब आप किसकी बात कर रहे हैं। किसकी? पास्कल की। वेरी स्मार्ट, शाबाश। चलो जो हमारा लोकेशन कभी भी ट्रेस हो सकता है। ये मोबाइल के सिम डिस्कार्ड कर दो और 4 नए सिम कार्ड ले लो, नए आईडीज पर। जी भाई। और हाँ जो हैदराबाद में हमारा ये आखिरी काम है, इस काम के लिए 4 नए लड़के चाहिए। जी। सिचुएशन बहुत टाइट है, होशियारी से काम करना। ठीक है भाई। हाँ माल गाड़ी से अनलोड करो। ठीक है भाई। और सुनो। जी। हमारे बाकी के आदमियों को इतला करो। जी भाई। जी भाई। जान सर जरा उसको बाहर निकालो। चलो वाह, एक्सक्यूज मी, आओ कम टू द स्टेज। क्या नाम है तेरा? रास्केल। सर आप गलत जा रहे हैं, इसका नाम पास्कल है। तेरे से पूछा मैं? हाँ गेंडे। हाँ तो पास्कल वो अज्जू करीम नूरानी पहचानता ना तू? वो लोगों को गैंग है ना वो लोगों की? इतनी देर कहीं को हो रही रे भाई जवाब देने, डाउनलोड कर रहा क्या जवाब? साहब आज तक नामा नहीं सुना मैं इन लोगों के। अब कहीं को मर रहे साहब? अंदर रहे तो भी परेशानी, बाहर निकले तो भी परेशानी साहब। चल तेरी परेशानी निकाल दे तुम्हें, टेंशन ही नहीं तेरा एनकाउंटर। नको साहब नको साहब। अरे वो हाउले देख, तू इतने दिन जेल में था, कोई आके पूछे तेरे को? किसी को फिकर है तेरी? हाँ तू कहीं को दूसरों की फिकर करा दीवाना मालूम मारू? डिटेल्स में बोल दे, तेरे को तेलंगाना स्कीम की तरफ से का घर दिला देता हूँ।
स्कीम में तेरी शादी के वास्ते 51,000 रुपए दिला देता हूँ। सुकून से शादी करके जिंदगी गुजार, समझा ना? अब इतना बोलने की जरूरत नहीं है साहब, मेरे को नहीं मालूम साहब। बनाने वाले ने भी ये बंदूक बड़ी अजीब चीज बनाई, अच्छे अच्छों का मुंह खोल देती। कौन मिला अज्जू को? जल्दी मिला और स्पीकर पे रख फोन। हेलो हेलो अज्जू भाई, मैं पास्कल बोल रहा हूँ। तू वायर का वायर है? एक हफ्ता हुआ भाई, आपसे मिलना है भाई। कुछ काम है तो बोलो ना भाई। मार दूंगा तेरे को अगर हमारी पुलिस को टिप दिया तो बेटा। गॉड प्रॉमिस भाई, पुलिस के मारा खा के भी आज तक मुझसे खोला मैं। तू रुक, तेरे को मैं दूसरे नंबर से फोन करता हूँ। हो गया ना साहब? साहब मैं चाह रहा था फोन है जब तक, अंडा करीब आप कुछ तो खा लेंगे। हेलो हेलो पास्कल। जी अज्जू भाई, एक काम के वास्ते चार नए बच्चे होना। हो गया समझो, काला ना भाई। एड्रेस SMS करता हूँ। जी अच्छी बात है भाई, चल चल। छोटू, अजहर, वसीम, भाईजान, कार रिप्लेस कर दिया? जी भाईजान। सब लोग गौर से सुनो, हमारा जो प्लान है वो अनप्लान्ड है। कल सुबह रश आवर में हैदराबाद के 4 मेजर लोकेशंस पर हमें ये शूट आउट करने हैं। जी भाईजान। वो 4 लड़कों का क्या हुआ? बोल दिया भाईजान, आते होंगे। किसको? पास्कल को। पास्कल? वो तो जेल में है ना, बाहर कब आया? नहीं भाईजान, बाहर आके एक हफ्ता हो गया, अभी मेरी बात हुई उससे। पागल हो गया क्या तू? फोन उसने क्या था या तूने? नहीं भाईजान, उसका मेरे मोबाइल पे फोन आया। मुझसे एक बार पूछ तो लेता, साला पास्कल पूरी फौज को लेके आ जाएगा यहाँ पे। अज्जू भाई, करीम नूरानी, अज्जू और जितने भी तुम्हारे साथियां हैं, एक बार बोल रहा हूँ, उसको आखिरी बार समझो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, भागने का 0% चांस है। सर, अगर ये लोग बाहर निकल गए तो हमें इन्हें मारने के लिए हथियार नहीं है। मोइन सर, तुम पाप को जला के राख कर दूंगा, देखे। हाँ सर, वो धर्मेंद्र की फिल्म ना? हाँ देखा सर। उसमें जो धर्मेंद्र का गुस्सा था ना, आज वही गुस्सा मेरे पे सवार है। एक भी साला बच के ले जाना मोइन, तुम उस साइड कवर करो। ओके सर। डर के छुप के बैठे तो नहीं होता, एक टेररिस्ट को मारना पड़ता प्रमोशन आना बोले तो। 301 वाली वो भी खत्म हो गई ना रे। तेरे से कुछ नहीं होता बाप, अब मेरे को कुछ करना पड़ता। क्या बात आई रे? क्या हो रे? तेरी गोली से एक टेररिस्ट मर गए। हाँ एक गोली बगैर निशाना, मेरी बंदूक जय तेलंगाना। चल अरे तू मेरे पीछे पीछे कहीं को आ रहा है भाई? जाके वो अपना कोलसा भी पॉइजन ले। मेरे बहुत डर लग रहा है, इधर राइफल उधर AK-47, इधर एक टाइम पर एक गोली निकलता उधर एक टाइम पर 50 गोली निकलता। छुपने को इससे अच्छी जगह नहीं मिलती अपने को। अगर करीम को घर गया उन्हें तो स्पॉट पे मार देता, अगर बच के बाहर भी चलेगा पुलिस एनकाउंटर कर देती। क्या है रे, पूरा मैदान साफ दिख रहा, कहाँ तो भी चले गए लोग। गुल्लू सर, पूरे लोगों को मार दिया सर का दिख रहा रे। अरे बेटे चमन, गुल्लू सर क्या रजनीकांत है जो एक गोली में टर सबको मारने के वास्ते गोलियों की आवाज बाहर से रहे। देख चल। आ We'll be right back.
अम्मा अम्मा चल रहे। क्या रहा उधर, एक दो टेररिस्टों को मारेंगे बोला तो इधर आके बैठे तू? बैठ समझाता हूँ। देख ज्यादा काम करने से हालत पतली हो जाती है, ले खा। यह क्या? ब्रेक टाइम है रे, इसको स्नैक्स बोलते हैं। तो जिंदा धर लूंगा सोचा था, कई को बोले तो इन्हें पुलिस पे गोली चलाया था, पर इसको भी गोली का मजा चखना जरूरी था। एनीवेज रिप। क्या खबर? छोटू और असीम पूरे लगा गए भाई। क्या बात कर रहा भाईजान का? मालूम है, इधर से चल। तू एक काम कर, अज्जू को ढूंढ, फिर से फैक्ट्री पे मिलते हैं और हथियार वहीं पे। ठहर रहे कहाँ से आ रहे तुम? साहब वो, अरे तू चुप साहब, 15 टेरिस्टों को अकेला मार के आ रहा हूँ, आपको तो मालूम है मेरी बंदूक का निशाना। नहीं साहब, इन्हें झूठ बोल रहे, एक टेरिस्ट को मारे वो भी गलती से। साहब इन्हें गलती से मार सकता। अम्मी जी, धरती से एक और बोझ कम, चलो उधर। अज्जू अरेस्ट हो जाओ, मैं वादा करता हूं फिर से तुम्हारी जिंदगी वापस देने का। वादे नको करो साहब, मैं हमेशा वादों के ऊपर ही मारा गया। मैं बोल रहा ना तुम्हारे को, भरोसा रखो मेरे पे। दुनिया वाले प्यार के नाम पे मारते और पुलिस वाले भरोसे के नाम पे। अज्जू मेरा मकसद तुम्हारे को मारना नहीं है, बल्कि इस मुल्क से टेररिज्म को खत्म करना है। जवान जवान बच्चे ये करीम नूरानी जैसे ढोंगी की बातों में आके हथियार उठा रहे, ये हरामजादों को जरिया खल नहीं है, भटका रहे लोगों को। अरे क्या मिल रहा है यारो तुम लोगों को, ये मासूम लोगों को मार के? हाँ, अरे इस्लाम बेवजह पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, खून बहाना तो दूर की बात है, और अगर इतना ही शौक है जान लेने का तो जाओ मिलिट्री में भर्ती हो जाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ और देश के दुश्मनों से लड़ो। कुत्ता कहीं को बोल रहे साहब, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, आज तो हर गली में बच्चा बच्चा मजहब के नाम पे लड़ रहा, कोई हिंदू मुस्लिम बोल के, कोई शिया सुन्नी बोल के। जाओ मिटाना है तो पहले उनके अंदर का जानवर मिटाओ। मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है साहब, अपने आप से। अरे वैसे भी साहब ये वफादारी करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कल के दिन जर्रा ऊपर नीचे हो गया तो यही लोग आपको बोलेंगे तुम देश के द्रोही है, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। कौन क्या सोचता मेरे बारे में, इसकी मेरे को कोई परवाह नहीं है। जो ये मुल्क मेरा उतना ही है जितना किसी और देशभक्त का है, 100 करोड़ हिंदू रहते हैं इस देश में, अगर उसमें से 10 करोड़ हिंदू भी ऐसा कहेंगे तो बाकी के 90 करोड़ हिंदू आज भी मुसलमान के साथ है, तभी तो मुसलमान आज भी चैन की सांस ले रहा है इस देश में। अज्जो जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो इंसान ही नहीं है। एक बात बोलो, तुम अपने आप को मुसलमान मानते ना? और मुसलमान भी अगर अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करा तो मुसलमान नहीं कहलाता। तुम्हारे जैसे 2-4 लोग ऐसे काम करते और जिल्लत सारी कौम को झेलना पड़ता। ये सब करीम नूरानी जैसे झूठे मुल्लाओं की वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम बदनाम हो रहा है।
बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इंस्पेक्टर गुलरेज खान। नीड ऑफ द आर इज ऑफिसर्स लाइक खान बीइंग इन द डिपार्टमेंट। हम सोचे नहीं थे कि यह मिशन इतना आसानी से और जल्दी खत्म हो जाएगा, बट जो सिंगल हैंडेडली मिस्टर खान ने इस मिशन को खत्म किया वो काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगा कि खान चार अल्फाज बोले। ओवर टू खान। सबसे पहले मैं हमारे एसीपी पांडा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस सारे मिशन में मुझ पर भरोसा जताया है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, और ये आज से नहीं, कल से नहीं, जब से ये दुनिया बनी है तब से ये आतंकवाद हमारे पीछे है। आदम और हव्वा को एक साजिश के जरिए जन्नत से दुनिया में लाने वाला भी एक आतंकवादी ही था, जिसको हम सब शैतान के नाम से जानते हैं। वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी भेस में आतंकवाद फैला रहा है। अज्जू जैसे लोग सोसाइटी में अपने हालात से मजबूर होकर टेररिज्म का शिकार बन जाते हैं, और करीम नूरानी जैसे लोग नौजवान पीढ़ी के दिमाग में मजहब का गलत प्रोपोगंडा करके उन्हें इजी टारगेट बना लेते हैं। अब मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कोई भी किसी भी वजह से टेररिज्म का शिकार बन रहा है, तो उसको अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो अपने देश के लिए लड़े, पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, मिलिट्री ज्वाइन करे। सॉरी पांडा साहब, चार अल्फाज बोलो बोले थे, मैं जीरो लगा के 40 कर दिया। सॉरी सर, मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।